नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है, जिसे तय समय सीमा के अंदर कार्य को पूरा किया जा सके। वहीं इस बीच भागलपुर के हसनगंज मध्य विद्यालय से एक तस्वीर सामने आई है जो जनगणना कार्य की पोल खोल रही है। दरअसल इस सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं और जनगणना के कार्य में लगाए गए शिक्षक अपना काम स्कूली बच्चों से करा रहे हैं। इस दौरान बच्चों द्वारा जनगणना का फॉर्म भरवाया जा रहा है, जो काम शिक्षकों को दिया गया है। बता दें कि विद्यालय परिसर में छात्रों से किसी भी तरह का काम करवाने पर रोक है, लेकिन सरकारी शिक्षक ही इस नियमों की धज्जी उड़ाते हुए अपना काम बच्चों से कराते दिख रहे हैं। जो फॉर्म भर जनगणना का कौन दिया भरने के लिए? दिलीप सर। स्कूल में आए थे पढ़ने के लिए ना? हाँ। आज पढ़ाई नहीं हुआ? नहीं। भागलपुर के वार्ड नंबर 50 और 51 में महीनों से नाले के पानी के कारण सड़क पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे इस राह से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालत यह है कि सड़क पर ना तो लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आ सकते हैं, ना ही जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन या नगर निगम के किसी अधिकारी या जिम्मेदार लोगों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं पूर्व में इसकी खबर समाचार पत्रों में भी आई थी, लेकिन इसके बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आई और आनन फानन में निरीक्षण कर समस्या के समाधान करने की बात कही गई। हालांकि बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद भागलपुर नगर निगम चुनाव में जनता द्वारा चुनकर आई भागलपुर की नव निर्वाचित मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने जलजमाव और नारकीय स्थिति की सूचना मिलने पर संज्ञान लेते हुए स्थल निरीक्षण किया। वही वार्ड नंबर 50 और 51 का निरीक्षण करने पहुंची मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल महीनों से वार्ड 50 और 51 का हाल देखा और जल्द ही इसका समाधान कराने के लिए काम करने की बात कही। मेयर ने कहा कि नाला का पानी सड़कों पर है और इसका समाधान केवल नाले की उड़ाही करने से नहीं होगा, बल्कि इस पर जल्द ही ठोस पहल करते हुए स्थायी समाधान की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कहा कि नगर निगम क्षेत्र की जनता को सुविधा मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता में है और सभी बातों को समझकर काम आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे लोगों को आगे भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हाँ, आके निरीक्षण किए कि कहाँ पर मेन प्रॉब्लम कहाँ है, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है जहाँ से ये समस्या उत्पन्न होती है, तो वो समझ में आ गया कि जहाँ मेन जगह है जहाँ वो क्लियर रहना चाहिए वो पूरा क्लियर है नहीं। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो वो जल जमाव की समस्या बनी रहेगी, तो वही देखने के लिए हम आए थे। वो निरीक्षण कर लिए हैं, अब इसको रखेंगे जहाँ हम नगर निगम में और लोगों के साथ मिलके बैठ के देखेंगे कि जो जहाँ से ये होना चाहिए, जहाँ पर वो क्लियर होना चाहिए उसको ध्यान देना है मेन, तभी पीछे का वो क्लियर होगा। केवल पीछे का नाली उड़ाने से नहीं होगा। गत एक महीना पहले से एक नगर निगम के लोगों ने आके नाला साफ करने के तहत में इन्होंने हमारे पुल को डैमेज किया। इसके अंदर काफी सारी कॉलोनी के लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनको काफी भारी मुशक्कत करना पड़ रहा है। हम लोग ने नगर निगम के लोगों को बताया कि भाई साहब ये ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा आज आपके वार्ड में मेयर आई थी। अब मेयर से मैं बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप घबराइए मत, बहुत जल्दी ही मैं इसका काम कराने के लिए तैयार हूँ। भागलपुर के लाजपत पार्क स्थित संकट हरण दरबार हनुमान मंदिर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रामचरितमानस के सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर सुंदरकांड पाठ किया। वहीं रामचरितमानस का पाठ कर कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। सुंदरकांड पाठ का समापन हनुमान चालीसा पाठ कर किया गया। इसको लेकर भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया बयान बिल्कुल गलत है और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करके वे सभी भगवान राम से शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के अनर्गल बयान के बाद बिहार सरकार से वो सभी शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। मौके पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, जिला उपाध्यक्ष श्यामल किशोर मिश्रा, रोशन सिंह, जिला महामंत्री देवव्रत घोष, अभिनव कुमार के अलावे काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री, उनका जो बयान आया था, हम सबों के का जो धार्मिक ग्रंथ है, सबों की जिस ग्रंथ पर आस्था है सभी हिंदू समाज की, श्री रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों को लेकर, कुछ दोहे को लेकर जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है उसके खिलाफ में आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर परिवार
आज यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करके उनको ईश्वर भगवान श्री राम सद्बुद्धि दें और शिक्षा मंत्री में जो शिक्षा का जो शब्द जो जुड़ा है उस उन माननीय मंत्री को सद्बुद्धि देकर इतनी जरूर उनमें बुद्धि भरने का कार्य करें जिससे कि वो इस प्रकार के अनर्गल और बयानबाजी से वो बचें और भगवान उनको इतनी सुबुद्धि जरूर दें कि वो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। आज इसी की निमित्त आज यहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मेरा नाम अशफाक अहमद है, घर मेरा डरिया बिलार है, पोस्ट करपुरी ग्राम, जिला समस्तीपुर, थाना समस्तीपुर, और वार्ड में वार्ड नंबर मेरा 15 है। हमको बहुत पहले से चीनी था लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास चीनी है, तो एकाएक हम चक्कर खा के गिर गए। उस वक्त में मेरा 450 से ऊपर मेरा चीनी था, तो नापा गया चीनी तो 530 या 533 मेरा चीनी था। तो हमको ICU में लोग ले जा करके भर्ती करा दिया, वहाँ निकल गया कि इनको चीनी है, तो उस वक्त चीनी मेरा था 530। तो इलाज हुआ तो इंसुलिन पड़ता था सुबह शाम, तो वहाँ 5 दिन ICU में भर्ती रहे। उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ से नाम काट दिया, तो दवा लिख दिया अंग्रेजी दवा, दवा का नाम है ग्लाइकोमेट GP24। एक डेली सुबह में खाते थे लेकिन खाने के बाद हमको नुकसान बहुत हुआ कि आँख की रोशनी चली गई, तो अब ठीक हो जाइएगा। तो दवा खाते हुए ही अंग्रेजी दवा जब खाना शुरू किए तो आँख की रोशनी चली गई। अब सोचे हम, एक तो डायबिटीज़ हो गया, दूसरा नंबर के मेरे आँख की रोशनी चली गई, अब हम करें तो क्या करें। देखो आयुर्वेदिक दवा देते हैं डायबिटीज़ का, तो इनसे मिले हम, तो 6 महीना हम दवा इनका खाएँ हम, तो मेरा चीनी अभी जो है मात्र 127 है। खाना खाने के बाद चावल रोटी खाना खाने के बाद टेस्ट किया गया तो 127 है ये। हाँ, तो अब जो दवा है मेरा 6 महीना खाने के बाद मेरा दवा अब बंद हो गया है। कितना दिन से आपका दवा बंद है यहाँ से? 1 महीना से दवा मेरा बंद है, आयुर्वेदिक दवा मेरा 1 महीना से बंद है। उसके बाद भी चेक किया गया है तो मात्र 127 मेरा आया। पहले से अभी कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बहुत फिट है हम, चलने फिरने में भी ठीक है। पहले 10 कदम चलते थे तो दम फूल जाता था। आपका रोशनी अभी कैसा है? आँख की रोशनी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत पहले से अच्छा है। और ये दवा खाने से हमको बहुत फायदा है, एक तो चीनी मेरा खत्म हो गया और आँख की रोशनी मेरी ठीक है अभी। मैं पार्वती देवी, मेरा उम्र 37 वर्ष है और मेरा फीवर आया था 4 महीना पहले, तो उस समय दिखाए डॉक्टर के पास तो मेरा थी, बोले शुगर जांच कराइए, शुगर जांच कराए तो मेरा 350 था, तो फिर मेरा दवा भी चलने लगा शुगर का। उसके बाद 1.5-2 महीना के बाद यहाँ पता चला कि डॉक्टर है वहाँ दिखाइए, तो दिखाए वहाँ तो मेरा 4 महीना दवा चला तो मेरा शुगर एकदम कंट्रोल है, ठीक है। अभी 1 महीना से मेरा दवा बंद है और शुगर जांच कराए तो मेरा 100 आया और हम सब चीज खा पी रहे हैं और ठीक ठाक हैं।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। मकर संक्रांति के बाद से लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, जिसे लोगों को काफ़ी राहत भी मिल रही है। वहीं मौसम के बदलते मिजाज को लेकर भागलपुर सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि 18 से 22 जनवरी के बीच भागलपुर में दक्षिण पश्चिमी हवा चलने की संभावना है और हवा की औसत गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बारिश की संभावना नहीं दिख रही है और दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी। सुनील कुमार ने कहा कि 20 जनवरी से अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन सुबह शाम हवाओं के साथ अभी ठंड बनी रहेगी। इसके अलावा किसानों को आवश्यकता अनुसार फसलों में सिंचाई करने की सलाह देते हुए पशुओं को घर के अंदर ठंड से बचा कर रखने की बात कही गई। इधर मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने की बात कही गई है, जबकि हवाओं की गति 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना जताई गई है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन मोटर वाहन निरीक्षक और ट्रैफिक DSP के द्वारा भागलपुर शहर के रानी लक्ष्मीबाई चौक पर सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया और सुरक्षा को ध्यान में रखकर आगे से ऐसा नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई। वहीं पुलिस ने हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहे लोगों को गुलाब का फूल भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसमें हेलमेट लगाने और चार पहिया वाहनों पर यात्रा करने वालों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया। यहाँ राज्य में सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे कि मालूम है 11 तारीख सड़क चल रही है, आज लास्ट दिन है। इसी परिप्रेक्ष्य में विभाग के अनुसार आज नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुति करके लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ में हेलमेट का भी जाँच हम लोग के द्वारा किया गया है। करीब हम लोग बाईपास TOM पर 12 गाड़ी को फाइन किए हैं हेलमेट मामले में, और उसके बाद यहाँ मनाली में भी करीब 4 गाड़ी को भी फाइन किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।